कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कमर्शियल आर्ट में कैसे 100 out of 100 स्कोर कर सकते हैं, और साथ में हम डिस्कस करेंगे 2021 का सैम्पल पेपर जो CBSE की तरफ से अलॉट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सब्जेक्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि 70 मार्क्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम फोकस करते हैं 30 मार्क्स पे। अब इस 30 मार्क्स में भी सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप सोच रहे होंगे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, हम क्या पढ़ें कि हमारे फुल मार्क्स आएँ। तो आप लास्ट मोमेंट पे अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे दिए हुए टिप्स फॉलो करें तो आपको 30 out of 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एडवाइज यू ऑल टू अटेम्प्ट 1 word क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट। लाइक जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो, जल्दी जल्दी मत पढ़ना। एक एक क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना, समझना, उसमें कितने पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं वो उस पर टिक कर लेना पहले, और कोशिश करना कि जो 1 word आंसर्स हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे लेंथी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करते हैं और 1 word वाले क्वेश्चंस जब लास्ट में करने बैठते हैं तो या फिर टाइम नहीं बचता या फिर गलत हो जाता है। तो जो 1 word क्वेश्चंस है, जैसे सिग्निफिकेंस हो गए, कलर्स के, फ्लैग्स के कलर्स के सिग्निफिकेंस हो गए, आप वो जल्दी जल्दी लिख लेना। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है, वो आपको आज ही अभी इसी वक्त से करना है। आप एक चार्ट बना लीजिए लाइक A4 शीट में या फिर A3 शीट में, और उसमें सारी भी जितनी आपकी पेंटिंग्स है सिलेबस में, सारी पेंटिंग्स का एक कॉलम बनाइए और आर्टिस्ट का कॉलम बनाइए और सब स्कूल या फिर पीरियड का कॉलम बनाइए, 3 कॉलम हो गए। और साथ में आप सारे मेंशन करते चलिए कि राजस्थानी स्कूल की ये पेंटिंग्स हैं, इनके आर्टिस्ट ये हैं, मुगल स्कूल की ये पेंटिंग्स हैं, इनके आर्टिस्ट, और ऐसे डेक्कन, बंगाल जितने भी सारे आर्टिस्ट और स्पेशली स्कल्पचर्स जितने भी हैं उन सब के नाम आप मेंशन कर लीजिए। और रोज़ रात को सोने से पहले आप एक बार उसको रिवाइज करेंगे ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। लाइक आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल सोचना भी नहीं पड़ेगा कि इस पेंटिंग का कौन सा पेंटर था, आपको तुरंत याद आएगा। तो ये थोड़ा आपको चार्ट बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी, बट इट्स फॉर योर बेनिफिट ओनली। सो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसमें। मैंने भी ऐसे ही किया था और इसने बहुत हेल्प करी उस चार्ट ने मेरी। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि डू नॉट स्टडी न्यू टॉपिक्स 1 day बिफोर एग्ज़ाम्स। लाइक कोई टॉपिक ऐसा होगा, कोई पेंटिंग्स ऐसी होगी जो आपने आज तक बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, जैसे सब स्कूल आप रिवाइज करने बैठते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं आप मगअप करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो आपने पुराने चीज़ें पढ़ी हैं ना वो भी भूल जाओगे। तो आई एडवाइस आप कुछ भी नया ना पढ़ें, जो पुराने टॉपिक्स हैं वो रिवाइज कर लें पहले। अब मैं फोर्थ जो टिप देने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, कि आप पीछे से स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट करें। लाइक जो आपके बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड्स हैं वो आप पहले पढ़ें, क्योंकि फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही आपके जब 12th क्लास स्टार्ट हुई थी तब आप यूनिट 1 यूनिट 2 इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ गया होगा। बट जो यूनिट 3 है वो फ्रेश है, वो अभी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले टीचर्स ने पढ़ाया होगा। तो आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें। पहले क्या होता था, यूनिट 3 का जो वेटेज था वो ज़्यादा होता था हमारे टाइम पे, बट अब तो इक्वल वेटेज है, बट फिर भी आप यूनिट 3 से पढ़ना स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्कल्पचर्स देख लें, सारे ग्राफिक्स देख लें, मॉडर्न पेंटिंग्स देख लें, तो आप फ़ायदे में रहोगे। ना फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि आप जब पढ़ते हो तो आप सिर्फ थॉरली एक बार सारी पेंटिंग ऊपर से पढ़ लेते हो, है ना, और पेंटिंग देख लेते हो, अच्छा इस पेंटिंग में ये है करना चाहिए। वो पेंटिंग अपने सामने रखनी चाहिए और उसकी डिस्क्रिप्शन अपने आप खुद से लिखना चाहिए।
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लाइक यू शुड राइट. जब हम कुछ, एक पॉपुलर सेइंग है, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड. सो आपको पेंटिंग्स को बस देखना नहीं है और उसको थॉरली रीड नहीं करना है, आपको एक एक पेंटिंग ना लिख कर देखनी है, वो भी बिना देखे लिख कर देखनी है. जब आप लिखते हो ना तो लाइक आपकी ब्रेन में वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, हैंड्स और ब्रेन का एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो जाता है. अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो आपने न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स इन सब के बारे में पढ़ा होगा. तो उस चीज़ को परमानेंट करने के लिए जब आप एग्ज़ाम में पहली बार आंसर लिखोगे ना तो आपको हिचक होगी, आपको उसे हिचक को मिटाना है बार बार उस पेंटिंग की प्रैक्टिस कर, वो भी लिख कर प्रैक्टिस करनी है. और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को एक अच्छा बहाना मिल जाएगा आपके मार्क्स काटने का अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं. आप सारे आर्टिस्ट का नाम अच्छे से लिख कर देख लेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद में ही, फिर आप कोई भी स्पेलिंग्स गड़बड़ नहीं करेंगे. सो गाइज, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि 2021 का क्वेश्चन पेपर. फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, वो इसी साल का है. सो इसमें सबसे पहले पांच सेक्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी. अब आप देखिए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कौन है. जो सेक्शन ए है वो हमारा वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है, तो हम सेक्शन ए से अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सिंबलाइज द फॉलोइंग कलर इन आर नेशनल फ्लैग. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जितने भी कलर्स दिए हुए हैं हमें उन सबका सिंबल लिखना है कि वो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे नेशनल फ्लैग में. सो फर्स्ट इज सैफ्रन कलर. इसका आंसर आपको लिखना है, सैफ्रन कलर सिग्निफाइज सैक्रिफाइस एंड करेज. अब नेक्स्ट है कलर वाइट. वाइट कलर आप सबको पता होगा, इट सिग्निफाइज ट्रुथ एंड पीस. तीसरा कलर है ग्रीन. ग्रीन कलर इज फॉर फेथ एंड शिवलरी. नेक्स्ट है नेवी ब्लू कलर. नेवी ब्लू कलर सिग्निफाइज डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ, या फिर 24 स्पोक्स जो होते हैं, व्हील. आप ये भी लिख सकते हैं कि नेवी ब्लू कलर का तो व्हील होता है या चक्र, वो सिग्निफाई करता है कंटिन्यूस प्रोग्रेस एंड मूवमेंट. अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. मेंशन द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर्स. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हल्दी ग्राइंडर्स की पेंटिंग है, पेंटर हैं अमृता शेरगिल. सिक्स्थ क्वेश्चन इज मेंशन द स्कल्पचर मेड बाय फेमस आर्टिस्ट डीपी रॉय चौधरी. इट इज ट्रियंफ ऑफ लेबर. सो वन वर्ड क्वेश्चंस के लिए प्लीज चार्ट बना लेना, मैं एक और बार रिमाइंडर दे रही हूँ. अब हम बढ़ते हैं, देखा बस 5 मिनट लगे सेक्शन ए को करने के लिए. अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ. सेक्शन बी में हमें अपने आंसर्स लिखने हैं 30 वर्ड्स में, ओके. और हमें आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमें अपनी वर्ड लिमिट बढ़ानी है. तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, बच्चे जब 30 वर्ड्स में क्या करते हैं, 100 वर्ड्स का आंसर लिख कर आ जाते हैं, और जब 100 वर्ड्स का आंसर लिखने बैठते हैं तब टाइम ओवर हो जाता है. तो आप प्लीज़ वर्ड लिमिट पे ध्यान दीजिएगा. आपको मेरी किसी सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि दी आप प्लीज़ एक वीडियो बनाएगा जिसमें आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हमें वर्ड लिमिट कैसे अपनी मेंटेन करनी है. सो ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड है. तो हमारे पास क्वेश्चन है, इवेल्यूएट द कंपोजिशन अरेंजमेंट ऑफ एनी टू राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग एंड पहाड़ी पेंटिंग. तो आपको जो पेंटिंग बिल्कुल अच्छे से आती है, जिसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे और आपको आर्टिस्ट का नाम याद है, टाइम याद है, सब कुछ याद है ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, आपको
वही पेंटिंग को डिस्क्राइब करना है किसी दो पेंटिंग को। तो आप राधा बनी ठनी कर सकते हो, कृष्णा विद गोपीज कर सकते हो, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट कर सकते हो, नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। आप कोई भी पेंटिंग डिस्क्राइब कर लेना जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी सी आती हो। अब आप देखो 30 वर्ड्स है, तो आप इसका आंसर सिर्फ एक पेज का ही लिखना, ठीक, ज़्यादा उसको बड़ा मत करना। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में है आंसर टू बी रिटन फॉर ईच क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। अब आपको 100 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, ओके। सो इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल, तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करने हैं आई थिंक। राइट एन एसे ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। आपको मुगल स्कूल जो हमारी मिनिएचर पेंटिंग है उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पे एक छोटा सा एसे लिखना है। और ये वाली वीडियो आई थिंक मेरे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, मैं ऑर्डर वाइज नहीं बोल रही हूँ, ये सब कब आए, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट करा, किसके पीरियड में जो मुगल स्कूल की पेंटिंग्स थी वो क्लाइमेक्स पे थी, किसके औरंगजेब ने सब ख़त्म कर दिया, यही सब आपको कहानियाँ जो आपने पढ़ते आए हो वही लिखना है 100 वर्ड्स में। 100 वर्ड्स में आप 2 पेज का आंसर लिखना, ओके। और इसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, आप प्लीज़ फ्लो चार्ट भी बना देना। ये फ्लो चार्ट मैंने अपनी वीडियो में डिस्क्राइब किया था, जो वो आप बनाना तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, वो आपको यूं देगा पूरे मार्क्स फुल, और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ डेक्कन स्कूल। ओके, सो आई एम वर्किंग ऑन दिस वीडियो, सो आपको डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के मेन फीचर्स लिखने, पेंटिंग्स के फीचर लिखने, या फिर आप स्कूल ओवरऑल स्कूल के भी फीचर्स लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ह्यूमन फिगर्स, काफ़ी अच्छे से उन्होंने टॉल ह्यूमन फिगर्स वर दे हैव फेयर कम्प्लेक्शन, बुक इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डिपिक्शन ऑफ नेचर, बर्ड्स, एनिमल्स, और उनकी आर्किटेक्चर इतनी अच्छी थी। 3-4 पॉइंट्स तो मैंने ऐसे ही बोल दिए क्योंकि मुझे याद है मैंने पढ़े हैं। आपको कम से कम एटलीस्ट 10 पॉइंट्स मेंशन करने हैं डेक्कन स्कूल के। आप पॉइंट्स लिखना और उस पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, एक एक पॉइंट को, ठीक, 2-2 लाइन लिखोगे चलेगा, और साथ में एग्जांपल भी देना, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाईलाइट द एस्थेटिकली एस्पेक्ट्स ऑफ फेमस पेंटिंग कबीर एंड रायदास और कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें दोनों पेंटिंग्स को ही डिस्क्राइब करना है। नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, और लिखा है ना, और मतलब होता है दोनों में से एक। अगर एंड लिखा होता तब तो मुश्किल था, तब तो दोनों करना पड़ता, बट और लिखा है। तो एस्थेटिकल एस्पेक्ट्स मीन्स होता है आप को उस पेंटिंग में क्या सोशल वैल्यूज़ मिल रही हैं, इमोशंस क्या जुड़े हुए हैं उस पेंटिंग्स के। लाइक आर्टिस्ट ने तो पेंटिंग बना दी, बट आपको उस पेंटिंग से क्या मैसेज मिला, क्या आप उस पेंटिंग को देख के इमोशनल हुए, क्या क्या इमोशंस प्रोवोक हुए आपके, वो सब आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे से उस पेंटिंग में। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में अब आपको आंसर लिखने हैं 200 वर्ड्स में। आप इसका आंसर 3 पेज का लिखिएगा, 3 पेज या 2 पेज भी सफिशियंट है। आप क्या करिएगा ना, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा अपने वर्ड्स को, खुला खुला लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई बंदे ने कुछ लिखा है, भरा है पेपर। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग्स, तो एक ही करना है आपको, वो सब ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ओके। चांद बीबी प्लेइंग पोलो पे आप पूरी पेंटिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छे से लिखना है, पहले सब्जेक्ट मैटर उस पेंटिंग का, कंपोजिशनल अरेंजमेंट्स पेंटिंग का, एंड देन कलर स्कीम। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि आंसर को किस तरह 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ में आप डिवाइड करके लिख सकते हो, फिर आपको फुल मार्क्स, आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता।
द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये आपने 11th में भी पढ़ा था। आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप यही वाला आंसर लिखें, जर्नीज एंड, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग। इसका मैसेज बहुत अच्छा है और दिस पेंटिंग हिट मी हार्ड बिकॉज आई एम एन एनिमल लवर, सो ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। और फोर्थ पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, हाँ ये भी अच्छा ऑप्शन है, आप इस पेंटिंग के बारे में भी बहुत कुछ लिख सकते हो, बट आपको ये देखना है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। नाउ अब बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में भी आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी डिस्क्राइब एनी ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल बुक। अब इसमें आप पे छोड़ रखा है, आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, दिमाग के घोड़े चलाने हैं कि ऐसी कौन सी राजस्थानी पेंटिंग है जो किसी बुक पे बेस्ड है, माइथोलॉजिकल बुक पे बेस्ड है। तो सो गाइज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस पेंटिंग इज भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा। और आपको ये भी मेंशन करनी है कि किस माइथोलॉजिकल बुक पे बेस्ड है, इट इज़ रामायणा। ये बुक रामायण पे बेस्ड है और आपको ये पेंटिंग अच्छे से डिस्क्राइब करनी है 200 वर्ड्स में, मीन्स 3 पेज का आंसर तो लिख के आना ही है आपको। और इस पेंटिंग में डिस्क्राइब करने के लिए भी बहुत कुछ है, अराउंड इसमें 49 to 50 फिगर्स हैं और छोटे छोटे वो एनिमेशन की तरह, और वो बहुत कुछ लाइक बहुत सारा स्टोरी नरेट किया हुआ है सिंपल वर्ड्स में कहें तो। ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मेरा एक एडवाइस है कि आप ना जितनी भी पेंटिंग्स हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जितनी भी पेंटिंग्स हैं ना आप उसकी वैल्यूज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट आर द वैल्यूज़ यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस पेंटिंग। एक पेंटिंग की आप 5 या 10 वैल्यूज़, नहीं 5-7 वैल्यूज़ अपनी तरफ से लिख लीजिएगा तारीफ में, सो यू कैन राइट इन एग्ज़ाम्स। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और आजकल मुझे काफ़ी कम सपोर्ट मिल रहा है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, सो प्लीज़ गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ये सब करके, मैं बस आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है तो प्लीज़ उसे शेयर भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन।